और चाहे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हो। हिंसा के तीन प्रकार हैं, मानसिक, वैचारिक और कायिक। इसको दो भागों में बांट सकता हूं, आवश्यक हिंसा एक अनावश्यक हिंसा। अब एक शरीरधारी प्राणी बिना हिंसा का सहारा लिए जीवन का यापन नहीं कर सकता, ये एक सच्चाई। जैसे आपको शरीर को चलाना है तो चूल्हा भी जलाना पड़ेगा, आपको शरीर को चलाना है तो साग सब्जी भी काटनी होगी, बाल बच्चों का व्यवसाय भी, बाल बच्चों की शादी भी करनी होगी, किंतु अंतर कहां पर है आवश्यक और अनावश्यक में? मान लीजिए मच्छर आपसे बैठ रहा, हो सकता है उसके काटने से आपको मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, आपने उसको वहां से हटा दिया, ये समझ में आता है, किंतु उसको मार दिया, ये अनावश्यक हिंसा है। तो हिंसा के दो प्रकार हो गए, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। अब दूसरी बात आई भावना के स्तर पर। निश्चित रूप से आप चाहे जैन धर्म लीजिए, चाहे भगवत गीता ले लीजिए, वहां पर अनासक्त योग स्पर्श की बात की गई है। तो भावना के स्तर पर आपकी कितनी आसक्ति प्रबल है, आपका भाव कितना प्रबल है, आपका इंटेंशन क्या है, उसके आधार पर क्रिया का आकलन होगा। तो निश्चित रूप से चाहे व्यापार व्यवसाय हो, चाहे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हो, हर जगह, और यही तो मनुष्य जीवन की विशेषता है। भगवान महावीर कहते हैं विवेके धम्म वायु, हमारे भीतर विवेक की चेतना का जागरण हो जाए कि मैं अनावश्यक हिंसा में नहीं जाऊं, मैं इस प्रकार की प्रबल आसक्ति में नहीं जाऊं। और हमारी भारतीय संस्कृति ने जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, ये संतुलन की तो बात है। चाहे आप भगवद गीता पढ़ लो, चाहे उत्तराधीन आगम पढ़ लो, तो अपेक्षा यही है कि हम भाव हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, वैचारिक हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो, अनावश्यक हिंसा से बचने का प्रयास करें, और हमारी कषाय आसक्ति प्रबल न हो, उतने ही जो है हमारा जीवन कीचड़ में कमल की तरह उपरत होता जाएगा, और अधिक जो है समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनेगा। अब आज के आमने